वेलकम टू मोना क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.2 के बारे में, जिसके क्वेश्चन नंबर 10 तक अपन डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो आपके जितने भी क्वेश्चन दिए हुए उन सब में वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसका मान निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको गिवन है कि टेन इनवर्स 2 इंटू कोस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 इस पूरे की वैल्यू, या तो इस 1/2 साइन इनवर्स यानी साइन की टेबल में वैल्यू कितनी होगी, π/6, यानी साइन π/6 की वैल्यू कितनी, 1/2। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट होगा तो π/6 आ जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि इस पूरे की वैल्यू कितनी है, अपन निकाल रहे हैं 2.1 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो 2.1 अकॉर्डिंग अपन निकालें तो इस पूरे की जो प्रिंसिपल वैल्यू है, मुख्य मान है, वो π/6 आ जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट यदि टेबल याद है तो उस टेबल का थोड़ा सा माइंड में आप चला के इस पूरे की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट करते हैं। टेन इनवर्स 2 इंटू कोस, इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू π/6, ये इसी पूरे की वैल्यू। आप ऐसे भी निकाल सकते हो इस पूरे को कि साइन इनवर्स साइन इस पूरे की वैल्यू, यानी 1/2 साइन की टेबल में किसकी वैल्यू, π/6, ये आपस में कैंसिल आउट होके वैल्यू कितनी आ गई, π/6। इसको मैं इसे कैंसिल आउट करूं तो ये π/3। तो टेन इनवर्स 2 इंटू कोस π/3 की वैल्यू कितनी, 1/2। इस 1/2 से ये 2 कैंसिल आउट होगा तो टेन इनवर्स 1। अब टेन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी, π/4। या तो ऐसे कर दो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि टेन इनवर्स 1 टेन की टेबल में किसकी वैल्यू होती है, टेन π/4 की वैल्यू होती है। ये 10 और ये 10 कैंसिल आउट होगा तो π/4 आ जाएगा, ठीक है ना, रिमूव होके। ऐसे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 के अंदर ये वाली कंडीशन आपको ध्यान से देखो, मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, इस पूरे की वैल्यू कितनी, π/2 होती है। तो यहां पे एंगल ए है, इसका एंगल भी ए है, तो इस पूरे की वैल्यू यानी कोट इनवर्स इस पूरे की वैल्यू कितनी, π/2। अब कोट इनवर्स π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। या तो 0 डायरेक्ट लिख दो या फिर कोट इनवर्स के अंदर यानी कोट की टेबल में π/2 किसकी वैल्यू होती है, कोट यानी π/2 की वैल्यू कितनी होती है, ऐसे कर दो या फिर आप ऐसे कर दो, देखो ये π/2, ठीक है, इस पूरे की वैल्यू ये आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि कोट π/2, ठीक है, गड़बड़ हो गया क्या, ये कोट नहीं है भाई, ये कोट इनवर्स नहीं है, ठीक है, चेक कर लेता हूं मैं, कोट ही ओनली, ठीक है ना, क्योंकि ये तो आपका वैल्यू आ गई ना डिग्री के अंदर या रेडियन के अंदर वैल्यू आ गई, ठीक है ना, तो ये कोट है आपका ओनली, ये लीजिए मैं इसको करेक्शन कर देता हूं, ठीक है। अब कोट π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इस पूरे का आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको गिवन क्या है, सबसे पहले तो वो देख लीजिए आप। टेन इनवर्स टेन 1/2 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1+x² कोस इनवर्स 1-y² अपॉन 1+y² ये वैल्यू गिवन है और आगे कंडीशन गिवन है कि मॉड ऑफ x लेस देन 1 y ग्रेटर देन 0 और xy लेस देन
वन, ये कंडीशन गिवन है और इस पूरे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो फॉर्मूले कुछ अपन जानते हैं, उन फॉर्मूले की भी बात करूं तो देखिए कि अपन फॉर्मूला जानते हैं कि 2 × tan inverse x का फॉर्मूला साइन की टेबल में क्या होता है कि साइन इनवर्स 2x/1 x2 और इसी का कोस की टेबल में क्या फॉर्मूला होता है 1 − x2/1 x2 ये फॉर्मूला होता है। तो इस पूरे की वैल्यू में ये पुट कर सकता हूं, इस पूरे की वैल्यू ये पुट कर सकता हूं, लेकिन यहां पे आपका वाई स्क्वायर है तो यहां पे क्या आएगा वाई आएगा। तो इसी को मैं लिख सकता हूं कि टेन 1/2, इस पूरे की वैल्यू कितनी 2 × tan inverse x + 2 × tan inverse y ये लिख सकते हैं। 2 को बाहर निकाल के इससे मैं कैंसिल आउट कर दूंगा तो वैल्यू आएगी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये वैल्यू आ गई। अब इसका अपन डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 − x × y ये फॉर्मूला होता है। ये tan इस tan इनवर्स को कैंसिल आउट कराएगा तो रिमेनिंग वैल्यू xy + x + y / 1 − xy ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ऐसे अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर क्या गिवन आपको वो देखिए। 14 में आपको गिवन है कि इफ साइन इनवर्स, साइन क्या गिवन है कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x, इस पूरे की वैल्यू कितनी है 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी तब आपको x का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखना बस, इक्वेशन दी हुई है तो ये साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x = ये इधर आएगा तो वैल्यू हो गई साइन इनवर्स 1। इसी को मैं ये सभी लिख सकता हूं कि साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो माइनस का कोस इनवर्स x। ठीक है, और इस पूरे साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/2। अब एक प्रॉपर्टी जानते हैं अपन, कौन सी प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x की वैल्यू कितनी होती है π/2 होती है। ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो π/2 माइनस कोस इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी साइन इनवर्स x आ जाएगा। तो साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू कितना आएगा साइन इनवर्स x आ जाएगा। कंपेयर करोगे बोथ साइड में यानी तुलना करोगे दोनों तरफ तो आपकी जो वैल्यू है इधर तो 1/2 किसके इक्वल आएगा x के इक्वल, ये आपकी x की वैल्यू यहां से आ जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूं मैं, ठीक है, इसमें भी इक्वेशन दी हुई है, क्या गिवन है आपको देखिए, tan इनवर्स x − 1/x + 2 x − 2 प्लस tan इनवर्स x + 4/x + 2 इक्वल टू में कितना π/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी तब आपको क्या निकालना है x का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो एक तो फॉर्मूला अपन जानते हैं कि tan inverse x + tan inverse y का फॉर्मूला, वो मैं अप्लाई कर दूं तो ये तो x की वैल्यू होगी और ये y की वैल्यू होगी, तो यहां से मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं तो देखो कितनी वैल्यू आएगी tan इनवर्स x, x की वैल्यू कितनी है x - 1 x - 2 प्लस y, y की वैल्यू कितनी है
एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस टू, अपॉन में क्या होता है वन माइनस एक्स वाई, तो वन माइनस एक्स की वैल्यू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस टू, ये वैल्यू इसकी, और इसके इक्वल क्या है आपका पाई बाई फोर है। ठीक है, अब इसको मैं सोल्व कर दूं तो वैल्यू आपकी, ये टेन तो इधर भेज दो, ठीक है ना, ये टेन तो इधर आ जाएगा, तो और इसका ले लू मैं एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा इस पूरे का एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, इससे मैं डिवाइड करूं तो ये बच जाएगा, ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई, तो एक्स माइनस वन का मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू के साथ में और एक्स प्लस फोर का मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू के साथ में। ठीक है, फिर नीचे वाले का भी एलसीएम ले लो, नीचे भी एलसीएम कितना आ रहा है सेम वैल्यू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। ठीक है, ये पूरी पूरी इधर मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स स्क्वायर माइनस का फोर, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मेट, फिर ये माइनस लीजिए। ठीक है, अब इससे डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू रिमेनिंग, तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस फोर ये आ जाएगा, और इधर इक्वल ये टेन इनवर्स इधर आएगा तो टेन पाई बाई फोर। अब टेन पाई बाई फोर की वैल्यू आप जानते हो बस, और ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू देखो कितनी आएगी, इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूं तो एक्स स्क्वायर, इसके साथ में करवाए तो प्लस टू एक्स माइनस एक्स माइनस टू प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इसके साथ करवाए तो माइनस का टू एक्स प्लस फोर एक्स और माइनस का एट अपॉन, इसका कराए तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, फिर इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई प्लस का फोर एक्स, इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई माइनस का एक्स, इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई माइनस का फोर, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। दोबारा चेक कर लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी, और टेन पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी वन। अब देखो कटने वाली वैल्यू काट दीजिए पहले, तो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एड होगा, कितना मिला टू एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स और ये कितना आपका ये माइनस एक्स। ठीक है, ये तो माइनस एक्स और ये प्लस का फोर एक्स, तो कितना प्लस का थ्री एक्स, ये बच जाएगा। ठीक है ना, सही तो चल रहे हैं ना अपन। उसके बाद में माइनस और ये माइनस का एट माइनस का टेन अपॉन, ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का, और ये वाली वैल्यू थ्री एक्स, ये माइनस माइनस का थ्री एक्स और प्लस का फोर इक्वल टू में कितना वन, इससे ये कैंसिल आउट होगा, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल टू, जो बची वैल्यू है ये फोर से फोर कैंसिल आउट। ठीक है, अब वैल्यू यहां पे ये बच गई, ये वाली वैल्यू इधर आएगी, ये वाली वैल्यू इधर आएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगी तो माइनस का थ्री एक्स ये आ जाएगा। ठीक है, करेक्शन हो गई लगती है, ठीक है ना, आंसर नहीं आ रहा, चलो देखते हैं एक बार, ये तो 9x हो गया ना, कटेगा भी नहीं, देखता हूं मैं एक बार वैल्यू क्या आ रही है इसकी। ठीक है, और क्वेश्चन के अंदर क्या है, x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन, ठीक है ना, ये कहां से लिख दिया मैंने, ये यहां से गड़बड़ हो गई भी, ये वन है आपका, ठीक है ना, तभी ये गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, इसको आप करेक्शन कर लेना, तो ये वन है, ये भी वन है, तो ये भी वन है, ये वन है तो ये भी वन है। ठीक है, और ये ठीक है, ये वन है और
ये सही है सर। अब ये वन है तो देखो ये तो सेम आ जाएगा इतना, तो इसका मल्टीप्लाई करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और ये एक्स और ये आपका टू। अब देखो ये वाली वैल्यू इसको भी चेक कर लेता हूं मैं, ये वाली वैल्यू देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस वन ये लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है। और अब मैं काट रहा हूं इसको, ये माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल आउट, ठीक है। अब देखो वैल्यू कितनी आएगी, इसको तो रब कर देता हूं, ये एक्स स्क्वायर कितना टू इंटू एक्स स्क्वायर और ये माइनस टू और ये माइनस टू माइनस का फोर अपॉन, इसको मैं सोल्व करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू में कितना वन, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट तो टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, देखो माइनस फोर और प्लस वन कितना माइनस का थ्री, तो माइनस थ्री उधर जाएगा तो ये माइनस थ्री, तो टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस थ्री प्लस फोर, तो टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी वन, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी वन बाई टू, एक्स की वैल्यू कितनी प्लस माइनस वन अपॉन में रूट टू, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। थोड़ी सी देख लेना मिस्टेक हुई थी आपकी, ठीक है ना। अब आप इसको नोट डाउन कीजिए, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, तो देखिए 16 को भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या गिवन है वो देखिए सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइज 16 to 18, यानी हर केस के अंदर आपको उसका मान फाइंड आउट करना है। किसका, जैसे 16 में गिवन आपको कि sin inverse sin 2π/3। अब देखो मैं डायरेक्ट इसको करना चाहूं तो अपन जानते हैं कि ये साइन इनवर्स इस साइन से कैंसिल आउट होगा होगा, तो ये जो वैल्यू आएगी कितनी 2π/3, ठीक है। ये तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगी, लेकिन ये जो प्रिंसिपल वैल्यू इसकी जो रेंज है, रेंज क्या है इसकी, -π/2 से लेके π/2 इसके बीच में एग्जिस्ट होनी चाहिए। अब कर रही है कि ये वैल्यू नहीं कर रही है, तो ये पूरी प्रिंसिपल वैल्यू इस रेंज के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि जो इनवर्स फंक्शन है अपने डोमेन और रेंज के अंदर वो डिफाइन होनी चाहिए और ये परिभाषित आपका नहीं है। तो ये साइन इनवर्स से डायरेक्ट में साइन इनवर्स कैंसिल आउट नहीं कर सकता हूं। कब करूंगा देखो, सबसे पहले तो इसको टुकड़ों में तोड़ो, तो साइन इनवर्स तो रखना ही रखना है, ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ो कि उसको मैं चेंज कर दूं तो साइन साइन में रहे। तो कब रहता है साइन साइन के अंदर, कोस कोस के अंदर की जो वैल्यू है वह उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो। ट्रांसफॉर्मेशन कब नहीं होता है, परिवर्तित कब नहीं होता है, जब वैल्यू आपकी एक्स एक्सिस पे हो, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बताएगा, पूरा एक वीडियो अपलोड है उसको देखना। क्या लिख सकता हूं इस 2π/3 को, π - π/3 लिख सकते हैं। अब देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट आपका, ये कौन सा क्वाड्रेंट आपका, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है, पॉजिटिव होता है, और पाई माइनस पाई बाई थ्री की वैल्यू कितनी, साइन पाई माइनस पाई बाई थ्री क्या वैल्यू, देखो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, आपका फॉर्मूला है साइन पाई माइनस थीटा, इसी का फॉर्मूला होता है साइन थीटा, तो ये लीजिए। अब इन दोनों को कैंसिल आउट करूंगा तो वैल्यू आ गई आपकी पाई बाई थ्री। अब ये जो एक्स है, ये जो वैल्यू है वो बिलोंग कर रही है इस रेंज के अंदर, तब आपका वैल्यू पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल वैल्यू नहीं होगा। तो रेंज और डोमेन आपके माइंड में रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करूं मैं, तो 17 में आपको क्या गिवन है, tan inverse tan 3π/4। अब इसको भी देख लीजिए, ठीक है, ये वाली वैल्यू इस रेंज में एग्जिस्ट नहीं करती है। अब इसकी रेंज अपन जानते हैं कि ये 3π/2 tan की जो रेंज है वो उसमें बिलोंग नहीं करती, तो tan इनवर्स की रेंज क्या आपकी, ओपन ब्रैकेट -π/2 से लेके π/2 ये है, ठीक है।
तो ये एग्जिस्ट इसमें नहीं करती, तो टुकड़ों में तोड़ो। टेन इनवर्स, टेन क्या लिख सकता हूं इसको मैं, पाई माइनस पाई बाई थ्री लिख सकता हूं, ये लीजिए ठीक है। तो टेन इनवर्स टेन पाई माइनस पाई बाई थ्री की वैल्यू कितनी आएगी, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, तो माइनस टेन पाई बाई थ्री, ये लीजिए। अब फॉर्मूला जानते हैं कौन सा, कि टेन इनवर्स माइनस एक्स गिवन है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ माइनस टेन इनवर्स एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी ठीक है। तो ये माइनस बाहर आ रहा है तो ये माइनस बाहर निकाल दो, तो वैल्यू आएगी माइनस टेन इनवर्स टेन पाई बाई थ्री ठीक है, ये टेन पाई बाई फोर अभी। अब ये टेन इनवर्स, ये टेन इनवर्स से कैंसिल आउट होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ पाई बाई फोर आ जाएगा ठीक है। चेक करता हूं एक बार आंसर इसका। माइनस पाई बाई फोर ठीक है, ये आपका इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में डिस्कस करते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करिए एक बार ठीक है। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18 में गिवन है टेन इनवर्स, ये टेन ही है, साइन थ्री अपॉन में फाइव, साइन इनवर्स थ्री अपॉन में फाइव प्लस कोट इनवर्स थ्री अपॉन में टू, ये वैल्यू आपको गिवन है ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये टेन कब कैंसिल आउट होगा, जब इस पूरे की वैल्यू क्या हो, टेन इनवर्स में हो, तो टेन टेन इनवर्स को कैंसिल आउट होगा तो वो एंगल आपका सेम आ जाएगा ना। अब देखो एक फॉर्मूला आपको बताया हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स आपको गिवन है, तब इसको मैं टेन के अंदर चेंज करूं तो टेन के अंदर वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी एक्स, बेस की वैल्यू ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन वन, तो वन माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है आपका ठीक है ना, इंट्रोडक्शन के अंदर बताया हुआ है प्रॉपर्टीज के अंदर। फिर कोट इनवर्स एक्स को मैं टेन में चेंज करूं तो टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स हो जाएगा। अब देखो टेन इनवर्स टेन इसको मैं चेंज करूं तो वैल्यू आएगी आपकी टेन इनवर्स एक्स, इसको आप डायरेक्ट सोल्व करो तो डायरेक्ट कर दो ठीक है। देखो मैं इसमें यहां पर पुट करूं तो एक्स की वैल्यू थ्री अपॉन में फाइव और रूट ऑफ वन माइनस ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई थ्री का स्क्वायर नाइन और ये ट्वेंटी फाइव, तो वैल्यू आएगी थ्री अपॉन में फाइव, इसको सोल्व करूं तो सिक्सटीन अपॉन फाइव यानी फोर अपॉन में फाइव, फाइव से फाइव कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आ गई आपकी थ्री अपॉन में फाइव। चेक कर सकते हो आप वैल्यू पुट करके ये सोल्व कर सकते हो, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं टेन इनवर्स, इसका उल्टा कर दो, ये लीजिए। अब फॉर्मूला जानते हैं कि टेन एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, तो देखो क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होगा आपका टेन इनवर्स थ्री अपॉन फोर, एक्स की वैल्यू प्लस वाई की वैल्यू टू अपॉन थ्री अपॉन वन माइनस थ्री अपॉन फोर इंटू टू अपॉन थ्री, यह आ जाएगा। इस थ्री से ये थ्री कैंसिल आउट, या फिर रहने दो क्योंकि कट जाएगा नीचे से, रहने दो। तो टेन टेन इनवर्स इसको मैं सोल्व करूं तो आपकी जो वैल्यू आएगी एलसीएम लेके कितनी 12 ठीक है, तो ये तो 9 हो गया और ये 8 हो गया, अपॉन में इसको सोल्व करूं तो ये 12 और ये माइनस 6 अपॉन में 12, ये लीजिए वैल्यू ठीक है। अब इस 12 से ये 12 कैंसिल आउट होगा तो टेन टेन इनवर्स ये कितना 17 और ये 12 माइनस 6 कितना 6, टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल आउट होगा तो वैल्यू हो गई 17 अपॉन में 6, ये आ जाएगा आपका इसका आंसर ठीक है। आप नोट डाउन कीजिए
और मैं कर लेता हूं इसका आंसर के अंदर क्या आ रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, फिर भी देखिए सारे क्वेश्चन कराएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर में 19 की बात करूं तो 19 के अंदर आपको गिवन है, इंपॉर्टेंट है, देखना। कोस इनवर्स कोस 7π/6 इज इक्वल टू। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूं तो कोस की जो रेंज आपकी कोस इनवर्स की जो रेंज है उसमें बिलोंग होना चाहिए, तो 7/6 नॉट बिलोंग्स टू किसमें, 0 टू पाई, इसमें ये बिलोंग नहीं कर रहा, तो डायरेक्ट तो नहीं कर कैंसिल आउट कर सकता, तो इसको तोड़ो, इसको टुकड़ों में तोड़ के दिखाऊं तो क्या आएगा कि कोस इनवर्स कोस क्या लिख सकता हूं इसको मैं, π - π + π/6 ये लिख सकता हूं। देखो आप सोल्व करोगे वापिस 7π/6 ही आएगा। अब कोस इनवर्स कोस पाई प्लस पाई बाई सिक्स कौन सा क्वाड्रेंट होगा आपका, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोस किसका होगा, नेगेटिव, तो ये वैल्यू आएगी नेगेटिव कोस पाई बाई सिक्स। ठीक है ना, फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं कि कोस पाई माइनस प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला होगा माइनस ऑफ कोस थीटा। अब दूसरा फॉर्मूला यहां से आएगा आपका कि कोस इनवर्स माइनस एक्स गिवन है तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स आ जाएगा, तो इस पूरे फॉर्मेट को क्या लिख सकता हूं मैं, पाई माइनस बाहर आएगा तो कोस इनवर्स कोस पाई बाई सिक्स ये लिख सकता हूं। अब ये तो कैंसिल आउट होगा, तो पाई माइनस पाई बाई सिक्स सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 5π/6। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका हो गया बी वाला। ठीक है ना, बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर आपकी है 20 में गिवन आपको कि साइन π/3 - sin inverse - 1/2 ठीक है इज इक्वल टू, इस पूरे की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो इस पूरे की वैल्यू देखो, एक फॉर्मूला अपन जानते हैं कौन सा, कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स, तो पहले तो इसी में लगा दो तो ये माइनस बाहर आएगा तो वैल्यू आएगी आपकी साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 ये इसकी वैल्यू। अब साइन ये π/3 हो गई प्लस साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/6 की वैल्यू, किसकी वैल्यू, π/6 की वैल्यू। इसी को मैं लिख सकता हूं कि साइन इनवर्स साइन एलसीएम लेके इसको सोल्व करो तो ये तो 6 हो गया तो ये 2π + π। ठीक है, और इसी को मैं यहां पे सोल्व कर देता हूं तो साइन 3π/6 इसको इसे कैंसिल आउट करो तो वैल्यू हो गई आपकी sin π/2। साइन π/2 की वैल्यू कितनी होगी, 1, ये आ जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है ना, इसका डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है तो लास्ट अपन डिस्कस करते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। देखिए इसको आप नोट डाउन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में डिस्कस करें तो 21 के अंदर गिवन आपको tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस ऑफ √3 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, तो देखो इस माइनस को मैं, यानी एक फॉर्मेट अपने पास में है किसका, cot इनवर्स माइनस ऑफ x का, क्या फॉर्मेट है, पाई माइनस cot इनवर्स x, ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को मैं यहां पे अप्लाई करूं तो ये तो tan इनवर्स √3 माइनस, ये वाला फॉर्मेट में यहां पे अप्लाई कर दूं तो वैल्यू आपकी आएगी पाई माइनस कोट इनवर्स √3
ठीक है। अब देखो माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस पाई और प्लस कोट इनवर्स रूट थ्री। अब इसी को मैं लिख सकता हूं कि टेन इनवर्स रूट थ्री प्लस कोट इनवर्स रूट थ्री माइनस पाई। फॉर्मेट है अपने पास में कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू प्लस पाई बाई टू। ये लीजिए तो इस पूरे की वैल्यू तो कितनी हो गई पाई बाई टू, तो पाई बाई टू माइनस पाई कितना होगा माइनस पाई बाई टू। ये आपका कौन सा ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे आप, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अपन डिस्कस कर रहे हैं तो ध्यान से आप देख लेना, आपके आगे भी काम आएगा नियर फोर्स एनडीए आईआईटी जी मेंस में। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.2 और मिसलिनियस एक्सरसाइज के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।